शुरुआत करते हैं सुपरफास्ट खबरों की। दिल्ली में जारी कोरोना संक्रमण के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने मासिक रेडियो कार्यक्रम मन की बात के जरिए देशवासियों को संबोधित किया। पीएम मोदी ने मन की बात में कोरोना से बचाव से और संक्रमण से बचने के लिए जारी तैयारियों पर चर्चा की है। पीएम मोदी ने कार्यक्रम की शुरुआत करते हुए कहा कि आज मैं आपसे मन की बात एक ऐसे समय पर कर रहा हूं जब कोरोना हम सभी के धैर्य हम सभी के दुख बर्दाश्त करने की सीमा की परीक्षा ले रहा है। बहुत से अपने हमने असमय छोड़कर चले गए। पीएम मोदी ने कहा कि कोरोना की पहली लहर का सफलतापूर्वक मुकाबला करने के बाद देश हौसले से भरा हुआ है, आत्मविश्वास से भरा हुआ था, लेकिन इस तूफान ने देश को झकझोर दिया है। पीएम मोदी ने कहा कि समय हमें इस लड़ाई में जीतने के लिए विशेषज्ञों और वैज्ञानिक सलाह को प्राथमिकता देनी होगी। राज्य सरकार ये प्रयत्नों को आगे बढ़ाने में भारत सरकार पूरी शक्ति से जुटी हुई है। राज्य सरकारें भी अपनी दायित्व को संभाले। पीएम मोदी ने कहा कि भारत सरकार की तरफ से मुफ्त वैक्सीन का जो कार्यक्रम अभी चल रहा है वो आगे भी चलता रहेगा। मेरा राज्यों से भी आग्रह है कि वो भारत सरकार के इस मुफ्त वैक्सीन अभियान का लाभ अपने राज्य के ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं। आप सभी को मालूम भी होगा कि भारत सरकार की तरफ से सभी राज्य सरकारों को फ्री वैक्सीन भेजी गई है जिसका लाभ 45 साल की उम्र के ऊपर के लोग ले सकते हैं। अब तो 1 मई से देश में 18 साल के ऊपर के हर व्यक्ति के लिए वैक्सीन उपलब्ध होने वाली है। भगवान महावीर की जयंती पर सीएम का ट्वीट, सत्य अहिंसा और अपरिग्रह की प्रतिमूर्ति भगवान महावीर की जयंती पर कोटि कोटि नमन। सीएम ने ट्वीट कर लिखा, जैन धर्म के 24वें तीर्थकार भगवान महावीर को नमन, महावीर जयंती की प्रदेशवासियों को शुभकामनाएं। ऑक्सीजन को लेकर सरकार ने जारी किया आदेश, प्रमुख सचिव आलोक कुमार ने जारी किया आदेश, सभी मेडिकल कॉलेज के वीसी को आदेश जारी, ऑक्सीजन को लेकर सरकार ने जारी किए आदेश। साथ ही ऑक्सीजन की आपूर्ति में लीकेज पर रखे ध्यान, सभी मेडिकल संस्थान निगरानी समिति का गठन करें। गठित समिति ऑक्सीजन के उपयोग पर नजर रखे, मरीज को सरकारी पत्र के अनुसार देनी होगी ऑक्सीजन। लखनऊ में प्रभारी पीएम राकेश रोशन जैकब ने नियुक्त किया अधिकारी, ऑक्सीजन आपूर्ति के निराकरण के लिए अधिकारी नियुक्त। सुल्तानपुर में बीजेपी विधायक ने सीडीओ को लिखा पत्र, विधायक राजेश गौतम ने सीडीओ को लिखा पत्र, ऑक्सीजन प्लांट लगवाने के लिए लिखा पत्र। 25 लाख की लागत से बनेगा ऑक्सीजन प्लांट, खादीपुर सीएचसी में बनाया जाएगा प्लांट, 25 लाख की लागत से बनेगा ऑक्सीजन प्लांट। प्रतापगढ़ में ऑक्सीजन प्लांट कल से पाइपलाइन में देगा ऑक्सीजन, जिला अस्पताल का ऑक्सीजन प्लांट देगा ऑक्सीजन, मरम्मत के दौरान मैकेनिक स्टाफ को नहीं मिली सफलता। ट्रायल के दौरान नहीं चालू हो सका ऑक्सीजन प्लांट, अधिकारियों का दावा, पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन प्रतापगढ़ जिला अस्पताल का ऑक्सीजन प्लांट देगा ऑक्सीजन। गाजियाबाद में जिला संयुक्त अस्पताल में बना ऑक्सीजन प्लांट, एक बार में 19 ऑक्सीजन सिलेंडरों को जा सकता है भरा, 40 मिनट में अस्पताल में होगी ऑक्सीजन की पूर्ति। गौतम बुद्ध नगर डीएम सुहास अलवई के नेतृत्व में टीमों ने कोविड अस्पतालों और कोविड वार्डों का दौरा निरीक्षण किया, साथ ही कोरोना मरीजों से मुलाकात कर हाल जाना। उन्होंने इलाज करने वाले डॉक्टरों और नर्सों से भी मुलाकात की और उनकी सेवाओं के लिए धन्यवाद दिया। सोनभद्र के जिलाधिकारी ने जनपद के अनपरा इलाके में सालों से बंद पड़े ऑक्सीजन की फैक्ट्री को तत्काल चालू करने का आदेश दे दिया। डीएम अभिषेक सिंह ने बताया कि अगले 2-3 दिनों में ऑक्सीजन की आपूर्ति शुरू हो जाएगी, हर रोज लगभग 300 सिलेंडर का उत्पादन शुरू हो जाएगा। गाजियाबाद में ऑक्सीजन के सिलेंडर की कालाबाजारी का पुलिस ने खुलासा किया है, मामले में पुलिस ने 2 आरोपी पकड़े हैं जिनमें से 101 ऑक्सीजन सिलेंडर बरामद हुए हैं। कोतवाली घंटाघर नंदग्राम थाना पुलिस और एसएसपी की स्पेशल टीम ने मिलकर संयुक्त रूप से कार्रवाई की है, मामले में पकड़े गए 2 आरोपी शहर कोतवाली इलाके के बताए जा रहे हैं, जिसके बाद कार्रवाई करते हुए हिंडन बिहार इलाके में छापेमारी की गई। इसके अलावा कैला भट्टो इलाके में भी छापेमारी हुई है जहां से टोटल 101 सिलेंडर बरामद किए गए। भदोही जनपद में जिला अस्पताल समेत अन्य सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों के टीकाकरण केंद्रों पर कोविड 19 की वैक्सीन लगाने का कार्य तेजी से जारी है, बड़ी संख्या में क्षेत्र के लोग वैक्सीन लगवाने के लिए पहुंच रहे हैं। भदोही जनपद में औरैया से भाजपा के विधायक दीनानाथ भास्कर अपने परिजनों के साथ सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर पहुंचे जहां उन्होंने वैक्सीन का दूसरा डोज लगवाया।
मौलाना कलबे जवाद ने सरकार से की मांग, लखनऊ के इमामबाड़ा को कोविड अस्पताल बनाने की मांग। मौलाना कलबे जवाद ने कहा, इंसान की जान बचाने से बड़ी इबादत कोई नहीं। कोरोना संक्रमण के चलते बनाए गए 89,948 कंटेनमेंट जोन, लोगों को अनाउंसमेंट करके कराया जा रहा लॉकडाउन का पालन। बिना मास्क वाले लोगों के काटे जा रहे चालान। रेमडेसिविर की कालाबाजारी करने वालों पर बड़ी कड़ी कार्रवाई। कालाबाजारी करने पर एनएसए और गैंगस्टर एक्ट लगाने के निर्देश। श्रावस्ती में दो दिन के कोरोना कर्फ्यू में मुनाफाखोरों की चांदी, जनता को जमकर लूट रहे मुनाफाखोर। गुटखा, पान, तंबाकू सहित अन्य चीजों के बढ़ाए गए रेट, महंगे दामों पर बेचा जा रहा सामान। जालौन के राजकीय मेडिकल कॉलेज में कोरोना मरीजों को बेहतर इलाज दिया जा रहा है। साथ ही मेडिकल में मरीजों के इलाज के लिए पर्याप्त मात्रा में दवाएं भी मौजूद हैं। संगम नगरी में कोरोना के कहर का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि शादी के दूल्हे, दूल्हे की पगड़ी और अंतिम संस्कार के लिए अर्थी का सामान एक ही दुकान पर बिक रहा है। शहर की जिस दुकान में 100 साल से दूल्हे दुल्हन और शादी ब्याह में जुड़े सामान बिकते थे, आज उसमें कोरोना ने कब्जा कर रखा है। अब इस दुकान में अर्थी का सामान भी बिकता है। जालौन में लॉकडाउन का पालन कराने के लिए सड़कों पर उतरी पुलिस। बेवजह घर से निकलकर घूमने वालों पर कार्रवाई का अंतर। लॉकडाउन का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कार्रवाई। लॉकडाउन का पालन न करने वालों के कटे चालान। उरई कोतवाली क्षेत्र में भगत सिंह चौराहे का मामला। गोरखपुर के जिला पंचायत राज अधिकारी हिमांशु शेखर ठाकुर ने खुद सड़क पर उतर कर सैनिटाइजेशन करवाया। अमेठी में वीकेंड लॉकडाउन का दिखा व्यापक असर। शहर के प्रमुख सड़कों पर पसरा सन्नाटा। मास्क और कोविड प्रोटोकॉल का सख्ती से पालन। वीकेंड लॉकडाउन में आवश्यक सेवाओं को रखा गया बहाल। उन्नाव में तीसरे चरण में 26 अप्रैल को त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव संपन्न होंगे। मतदान होने के कम का समय बचा है। वही जनपद में 35,001 पोलिंग सेंटर बनाए गए। इनमें से 168 पोलिंग सेंटर अति संवेदनशील प्लस संवेदनशील स्टेडियम रखे गए हैं। यहां मतदान सीसीटीवी कैमरे और वीडियोग्राफी की निगरानी में होगी। औरैया में 24 अप्रैल को तीसरे चरण का चुनाव होना है। बढ़ते कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए 30 अप्रैल की रात 8 बजे से जनता कर्फ्यू लगाया गया है। 26 अप्रैल को सुबह 7 बजे तक लागू रहेगा। लेकिन चुनाव लड़ रहे तमाम प्रत्याशी प्रशासन के आदेशों के खुलेआम धज्जियां उड़ा रही है। इलाके की पुलिस कहीं नजर नहीं आ रही है, जिससे प्रत्याशियों के मनोबल बढ़े। भदोही जनपद में पहले चरण में मतदान संपन्न हुआ था। 2 मई को मतगणना होनी है। औरैया ब्लॉक क्षेत्र अंतर्गत काशीगंज महाविद्यालय इंटर कॉलेज में औरैया ब्लॉक से संबंधित क्षेत्रों की मतगणना होनी है। इसको लेकर उप जिलाधिकारी, निर्वाचन अधिकारी और डिप्टी एसपी ने निर्देश कर जरूरी दिशा निर्देश दिए। निर्वाचन अधिकारी ने कहा कि कोरोना के बढ़ते मामलों के मद्देनजर इस बार मतगणना में एक एक न्याय पंचायत के लिए 2-2 टेबल की व्यवस्था की जा रही है। प्रयागराज में मौत के अकाल में समा गया संविदा कर्मचारी। बिजली विभाग की लापरवाही से संविदा कर्मचारी की मौत। फॉल्ट ठीक करने के लिए चढ़ा था खंभे पर संविदा कर्मचारी। बिजली से चलकर दर्दनाक मौत। परिजनों ने मचाया कोहराम। सोरवा थाना क्षेत्र के बरशनपुर गांव का मामला। कानपुर में नमस्ते इंडिया मिल प्लांट के गाड़ी चालक की मौत। चालक दूध की गाड़ी कानपुर से लेकर गया था कोटा। परिजनों ने फैक्ट्री के बाहर शव रखकर किया हंगामा। जालौर में एक बार फिर मानवता शोध अनुसार रेलवे स्टेशन पर व्यक्ति की अज्ञात कारणों के चलते हुई मौत। घंटों व्यक्ति का पड़ा रहा शव, मौके पर नहीं पहुंची पुलिस। ग्रेटर नोएडा में 44 वर्षीय शख्स की हत्या। फैक्ट्री में दोनों हाथ बंधे हुए पड़ा मिला शव। पुलिस ने इस घटना को आत्महत्या करार दिया। परिजनों ने हत्या का लगाया आरोप। शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। प्रयागराज में पुलिस ने रेमडेसिविर इंजेक्शन को ज्यादा कीमत पर बेचने के आरोप में 3 लोगों को गिरफ्तार कर लिया। ये तीनों एसआरएन अस्पताल के मेन गेट के निकट मेडिकल स्टोर पर काम करते थे। कन्नौज में गेहूं की खड़ी फसल में लगी भयंकर आग। आग देख ग्रामीणों में मचा हड़कंप। खेत में कटी पड़ी फसल को लेकर भागे ग्रामीण। वाराणसी में लकड़ी के गोदाम में लगी भीषण आग। आग पर फायर ब्रिगेड की 6 गाड़ियां पहुंच हुई। कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। नोएडा पुलिस चौकी में लगी भीषण आग। आग लगने से इलाके में हड़कंप। कुछ ही दूरी पर पेट्रोल पंप सेक्टर 37 चौराहे के पास चौकी। नोएडा पुलिस चौकी में लगी भीषण आग।
वैक्सीन बनाने वाली भारत बायोटेक ने अपने टीके की कीमतों का ऐलान कर दिया है। राज्यों को कोवैक्सीन की कीमतों की 600 रुपए, प्राइवेट अस्पतालों को 1200 रुपए। सीरम इंस्टीट्यूट पहले ही कोविशील्ड की कीमतों का ऐलान कर चुका है। इस तरह भारत के टीकाकरण अभियान में शामिल दोनों ही वैक्सीनों की कीमतें तय हो गई हैं। राहत की बात यह है कि कई राज्य मुफ्त में वैक्सीनेशन का ऐलान कर चुके हैं। ऐसे में आम आदमी के लिए फ्री में वैक्सीन मिलने का विकल्प बना रहेगा। सरकार ने वैक्सीनेशन के नए चरण में राज्यों, प्राइवेट सेक्टर और अस्पतालों को भी सीधे वैक्सीन निर्माताओं से वैक्सीन खरीदने की छूट दी गई है। सरकार ने वैक्सीन निर्माताओं को समय से कीमत तय करने का निर्देश भी दिया। देश में 24 घंटों में 3,49,000 मामले सामने आए, 2,760 की मौत हुई। दिल्ली और महाराष्ट्र में मौतों का आंकड़ा लगातार बढ़ रहा। पिछले तीन दिन में देश में 7500 लोगों की मौत हुई। इसी के साथ संक्रमण के कुल मामले बढ़कर 1,86,00,000 के पार पहुंचे, जबकि सक्रिय मामलों की संख्या 25 लाख से अधिक हो गई। इसमें से 1,44,75,000 से ज्यादा मरीज पूरी तरह से ठीक हो चुके हैं और अब तक 1,92,199 लोगों की मौत जान जा चुकी है। महाराष्ट्र में पिछले 24 घंटे में 67,107 नए केस, महाराष्ट्र में एक दिन में 676 लोगों की मौत। मंत्रालय की ओर से जारी आधिकारिक आंकड़ों के मुताबिक महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, नई दिल्ली, कर्नाटक, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, केरल, गुजरात, तमिलनाडु, राजस्थान, बिहार और पश्चिम बंगाल समेत 12 राज्यों के संक्रमण के दैनिक मामलों में बढ़ोतरी देखी जा रही है। देश में संक्रमण के कुल मामलों में से 74.15% केस महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, कर्नाटक, केरल, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु, गुजरात और राजस्थान से हैं। दिल्ली में शनिवार को कोरोना वायरस संक्रमण के कारण एक दिन में सर्वाधिक 357 लोगों की मौत हो गई और वहीं संक्रमण के 24,000 से अधिक नए मामले सामने आए। दिल्ली में अब तक संक्रमित हुए लोगों की संख्या बढ़ाकर 10,000 के पार पहुंच गई है और कुल 13,898 लोगों की मौत हो चुकी है। जान जाए उत्तर प्रदेश में कोरोना वायरस कहर बरपा रहा है। यहां हर दिन नए मामलों का रिकॉर्ड बन रहा है। बीते 24 घंटे में 38,055 नए मामले आए सामने। उत्तर प्रदेश में 24 घंटे में हाहाकार। 24 घंटे में कोरोना से 223 की मौत हुई। इसके साथ 23,231 मरीज स्वस्थ होकर अपने घर लौटे। प्रदेश में अब तक 752,211 लोग स्वस्थ हो चुके हैं। वहीं करीब 10,969 संक्रमितों की मौत हो चुकी है।